हे नमस्कार, मैं रवि। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। आज हम जानेंगे कि आप अपने एक पेन ड्राइव में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटेबल कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटेबल बनाने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो कि तकरीबन 16 GB या 32 GB के आसपास का होना चाहिए। साथ ही जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल होना चाहिए। ISO फाइल क्या होता है, इसे कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम USB। इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। इसे ओपन करें, एक्सट्रैक्ट में क्लिक करें। हमारा एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ दो एप्लीकेशन है, एक 32-bit एक 64-bit। आप चेक कर ले आपके कंप्यूटर में कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जैसे मेरे कंप्यूटर में 64-bit का है तो मैं 64-bit के एप्लीकेशन को रन करूँगा। यस करूँगा। यहाँ आप सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करें, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में क्लिक करें। यहाँ से कस्टम मेन्यू नेम्स फॉर विस्टा 7-8 सर्वर सोर्स, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें क्लिक करें, फिर इसे क्लोज कर दें। यहाँ से आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना चाहते हैं उसमें टिक कर लें। जैसे मैं पहले 7 का बनाना चाहता हूँ तो मैं 7 में टिक करूँगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ गो में क्लिक करें, यस में क्लिक करें, यहाँ यस में क्लिक करें, यस करें। यहाँ आप अपने पेन ड्राइव में फोल्डर का नाम सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, ओके करें। यहाँ आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना रहे हैं उस सेटअप का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं विंडोज 7 का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ विंडोज 7 लिखूँगा, ओके करें। विंडोज 7 का बूटेबल स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है, आप वेट करें। विंडोज 7 का बूटेबल क्रिएट हो चुका है, यहाँ ओके करेंगे। अब मैं विंडोज 8.1 का बूटेबल बनाऊंगा, उसके लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ से ISO फाइल सेलेक्ट कर लें। ध्यान रखें जब आप दोबारा दूसरे ISO फाइल का बूटेबल बना रहे हो तो यहाँ पे टिक ना करें। यहाँ एडवांस ऑप्शन में क्लिक करें, यहाँ पहले ऑप्शन में टिक कर लें, इसे क्लोज कर दें, गो में क्लिक करें, यस करें। यहाँ आप अपने पेन ड्राइव में फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना रहे हैं उसका नाम लिख दें। ओके करें। इस प्रोसेस में भी कुछ समय लग सकता है, आप वेट करें। यहाँ ओके करें। विंडोज 8.1 बूटेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं विंडोज 10 का बूटेबल बनाऊंगा, उसके लिए भी आप विंडोज में क्लिक कर लें, यहाँ से ISO फाइल सेलेक्ट कर लें। यहाँ एडवांस ऑप्शन में क्लिक करें, यहाँ कस्टम मेन्यू नेम्स में क्लिक करें, इसे क्लोज कर दें, गो में क्लिक करें, यस करें।
यहाँ आप फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना रहे हैं उसका नाम लिख दें, ओके करें। इस प्रोसेस में भी कुछ समय लग सकता है, आप वेट करें। यहाँ ओके करें। हमारे पेन ड्राइव में विंडोज 10 का बूटेबल क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बूटेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लोज करूंगा। अब मैं आपको पेन ड्राइव को बूट करा के दिखा देता हूँ। यहाँ आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। तो इसी तरह आप अपने एक पेन ड्राइव में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटेबल बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।